हेलो और नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए इडियम्स और फ्रेजेस प्लस उनके ट्रिक्स लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम बिना देरी करते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है टू पुट अप विथ, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, टू बियर विथ। और इसके लिए देखिए, टू पुट अप विथ, टू पुट 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 के पुट को हम पुत्र से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो ट्रिक है वो है कि पुत्र आपका साथ हमें अब बर्दाश्त करना होगा, पुत्र आपका साथ हमें बर्दाश्त करना होगा। तो इस तरीके से टू पुट अप विथ का मतलब हो जाएगा बर्दाश्त करना। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है टू फीदर वंस ओन नेस्ट, जिसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, हमेशा सिर्फ खुद के ही बारे में सोचना। टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट, सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचना, इसका मतलब होता है टू फीदर वंस ओन नेस्ट। अब देखिए इसका जो ट्रिक है, तो फीदर, फीदर को हम फादर से कनेक्ट करेंगे। तो इसका ट्रिक ये है कि राजाओं ने अपने फादर को नष्ट करके क्या किया, अपना सारा राज्य हासिल कर लिया और अपना स्वार्थ हासिल किया। देखिए हम ऐसा नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि अपने फादर के लिए सभी लोग अच्छा सोचते हैं, लेकिन राजाओं ने तो क्या किया, उनके अपने फादर का ही सर्वनाश करने की कोशिश की, उनको नष्ट किया, राज्य को हासिल किया। और इस तरीके से फीदर से हम फादर को कनेक्ट करेंगे, तो हमें याद आ जाएगा कि इसका जो मतलब है वो है अपना स्वार्थ स्वार्थ सिद्ध करना, टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो ईडीएम है वो है टू राइज टू द ओकेजन, जिसका मतलब होता है खुद को योग्य साबित करना। और इसके लिए देखिए, राइज टू द ओकेजन, ओकेजन वर्ड को आप प्रोनाउंस कीजिए, ओकेजन, ओकेजन में देखिए, तो इसको मैं दो वर्ड्स में बाइफरकेट कर रही हूँ, ओके और जान, ओकेजन में ओके और जान। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, उसने ओके जान बोलकर खुद को योग्य साबित किया। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है इन द निक ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है ठीक समय पर, जस्ट इन टाइम बिफोर समथिंग बैड हैपन्स, मतलब कुछ भी जब गलत होता है उससे बिल्कुल मतलब एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे। तो इसका जो ट्रिक है वो है निकल गया वह सही समय पर। देखिए निक 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 को हम निकल से कनेक्ट कर लेंगे, तो हम क्या ट्रिक बना लेंगे कि निकल गया वह सही समय पर। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है वो है थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है हर परिस्थिति में, इन एवरी कंडीशन। देखिए थिक एंड थिन, मोटे और पतले, थिक एंड थिक का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला। इस तरीके से हम इसका ट्रिक बनाएंगे कि मोटे और पतले दोनों लोगों ने हर परिस्थिति में हमारी मदद की। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या हो जाएगा, हर परिस्थिति में, और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि मोटे और पतले दोनों लोगों ने हर परिस्थिति में हमारी मदद की। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है वो है हैंड एंड ग्लव, जिसका मतलब होता है घनिष्ठता, क्लोज रिलेशनशिप। जब आप किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं या आपकी बहुत अच्छी मित्रता होती है, तो हम उसके लिए हम ईडीएम यूज करते हैं हैंड एंड ग्लव। और इसके लिए देखिए, हैंड हैंड और ग्लव्स दोनों वर्ड को मैंने कनेक्ट करके ट्रिक बनाया है कि जब से हैंड में मैंने ग्लव्स पहनना स्टार्ट किया, तब से उसके साथ सबके साथ क्या है, मेरी अच्छी घनिष्ठता होने लगी। तो मैंने हैंड्स में जब से ग्लव्स पहनना स्टार्ट किया, तब से सबके साथ मेरी अच्छी घनिष्ठता होने लगी, मेरी अच्छी मित्रता होने लगी। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है सिट ऑन द फेंस, जिसका मतलब होता है अनिर्णय की स्थिति, अनडिसाइडेड। इसका हमने ट्रिक बनाया, देखिए फेंस को हम फ्रांस से कनेक्ट करेंगे, फेंस फ्रांस, फेंस फ्रांस। तो इसका ट्रिक क्या है कि जब से वह फ्रांस से गया है, फ्रांस में गया है या फ्रांस गया है, तब से क्या है वो अनिर्णय की स्थिति में है कि इंडिया वापस आए या नहीं। जब यहाँ से गया था तब तो सोच के गया था कि हाँ भाई 2 महीने में वापस आ जाएगा, लेकिन जब से गया है तब से वहां तो उसका इतना मन लग गया है कि अभी उसको पता ही नहीं है कि इंडिया वापस आना है कि नहीं आना है। तो इसलिए इसी तरीके से सिट ऑन द फेंस से हमको फ्रांस याद आ जाएगा, और फिर हम हमारा ट्रिक याद करेंगे कि जब से फ्रांस गया है तब से अनिर्णय की स्थिति में है कि इंडिया वापस आए या फिर नहीं आए। नेक्स्ट जो हमारा ईडीएम है वो है ब्रिंग टू लाइट, जिसका मतलब होता है प्रकाश में लाना, टू रिवील समथिंग टू द पब्लिक, मतलब कुछ किसी चीज को उजागर करना, लोगों के नॉलेज में लेके आना, उसके लिए हम ये ईडीएम यूज करते हैं ब्रिंग टू द लाइट। अब देखिए लाइट को मतलब प्रकाश को इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे, तो जो भ्रष्टाचार देश में हुआ है उसे हम प्रकाश में लेकर आए हैं, जो भ्रष्टाचार देश में हुआ है उसे हम प्रकाश में लेकर आए हैं। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है वो है बर्न योर फिंगर, मतलब कि अपने आप को परेशानी में डालना, मतलब कि जब हम खुद का ही नुकसान कर लेते हैं तब हम इस ईडीएम का यूज करते हैं कि बर्न योर फिंगर। तो इसका देखिए, फिंगर को फिंगर से कनेक्ट करके हम ट्रिक बनाएंगे कि आपने अपने फिंगर को जलाकर खुद को परेशानी में डाल लिया, आपने क्या किया, खुद का ही फिंगर जला लिया और अब आप खुद ही परेशानी में आ गए। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है वो है गिव योर सेल्फ एयर्स, जिसका मतलब होता है दिखावा करना, टू बोस्ट बूस्ट, जिसका मतलब होता है बहुत जब हम बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं ना, अपने आप को ज्यादा ही सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हम इस ईडीएम का यूज करते हैं गिव योर सेल्फ एयर्स।
अब देखिए एयर्स एसी इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे, तो इसका ट्रिक क्या होगा कि हमेशा एसी की हवा ही लेता है ऐसा बोलकर वो दिखावा करता है। अरे कभी तो पंखे कूलर कुछ को भी यूज करता होगा, लेकिन वो तो हमेशा क्या बोलते रहते हैं, मैं तो बस एसी की हवा खाता हूँ, मैं तो बस एसी की हवा खाता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे कि हमेशा एसी की हवा लेता है ऐसा बोल के वह दिखावा करता है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो है फुट द विल, फुट द बिल, जिसका मतलब होता है बिल अदा करना, यानी कि टू पे द बिल। अब देखिए फुट को हम फूड से कनेक्ट करेंगे, फुट फूड, फुट फूड, तो फूड का बिल पे कर दो, तो हमें याद आ जाएगा फुट द बिल का मतलब होता है बिल अदा करना। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है डेड लेटर, जिसका मतलब होता है अप्रचलित, आउट ऑफ डेट, मतलब कि जो अब प्रचलन में नहीं है, जो पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं डेड लेटर। अब देखिए इसका हम ट्रिक बनाएंगे लेटर, तो देखिए टेक्नोलॉजी के युग में लेटर का फैशन आउट ऑफ डेट हो गया है। आजकल की इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, लोग मेल मैसेजेस गूगल इन सब का यूज करने लगे हैं, तो लेटर का फैशन तो बहुत पुराना हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे कि टेक्नोलॉजी के युग में लेटर का फैशन फैशन आउट ऑफ डेट हो गया है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो है सेट द थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब होता है डू हेरोइक डीड्स, मतलब कि कुछ बहादुरी भरा, कुछ साहसी कार्य करना, तब हम इस ईडियम का यूज करते हैं। तो देखिए थेम्स, थेम्स को, थेम्स नदी, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। जो हमारा ट्रिक क्या है, थेम्स नदी में आग लगने का मतलब है कि आप कुछ हेरोइक कर रहे हैं। थेम्स नदी में, नदी में तो आग लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने थेम्स नदी में आग लगा दी, इसका मतलब है कि आप कुछ हेरोइक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो है नुक एंड कॉर्नर, जिसका मतलब होता है प्रत्येक स्थान पर, इन एवरी प्लेस। अब देखिए नुक को हम नाक से कनेक्ट करेंगे और हम ट्रिक बनाएंगे कि तुम्हारे नाक के सूंघने की गति बहुत तेज है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर हो रही घटनाओं को पहचान सकते हो। नुक को नाक से कनेक्ट कर लेंगे और हम हमारा ट्रिक बना लेंगे, तो हमें याद आ जाएगा कि इसका मतलब होता है प्रत्येक स्थान पर। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो है नैरो सर्कमस्टेंसेस, नैरो सर्कमस्टेंसेस इसका मतलब होता है गरीबी के दिन, यानी डेज ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए नैरो 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 वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, नैरो नैरो, तो आपको एक वर्ड समझ में आएगा, ना रोना सर। तो हम इसका ट्रिक क्या बनाएंगे कि ना रोना सर, गरीबी के जो दिन हैं वो जल्दी ही चले जाएंगे। गरीबी के दिनों में लोग हताश होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, लेकिन हम उनको ढाढ़स बंधा के क्या कहेंगे कि ना रोना सर, गरीबी के जो दिन हैं वो जल्दी ही चले जाएंगे। तो हमें याद आ जाएगा कि नैरो सर्कमस्टेंसेस के जो मतलब होता है वो होता है गरीबी के दिन। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो है नीदर चिक नॉट चाइल्ड, मतलब नी संतान, मतलब जिसके कोई भी बच्चा नहीं हो, हैव नो चाइल्ड। तो देखिए इसका हम ट्रिक बना सकते हैं कि चिक को चीक, हमारे जो गाल होते हैं उनसे कनेक्ट कर लेंगे कि चीक अच्छे नहीं थे इसलिए शादी नहीं हुई और अब नी संतान है। चीक अच्छे नहीं थे इसलिए शादी नहीं हुई और अब नी संतान है, तो नीदर चिक नॉट चाइल्ड का मतलब हो गया नी संतान। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है वो है टू पिंच एंड स्क्रैप, जिसका मतलब होता है कंजूसी में रहना, टू बी वेरी फ्रूगल। अब देखिए पिंच को पांच, पिंच पांच, पिंच पांच, इस तरीके से पिंच को हम 5 रुपए से कनेक्ट करेंगे और हम ट्रिक क्या बनाएंगे कि 5 रुपए जो सेव करे वो कंजूसी में रहता है। अब जो लोग 5-5 रुपए के भी सेव करने की बात करेंगे तो हम सोचेंगे कि वह कंजूसी में रहता है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो है मैनी मून्स अगो, जिसका मतलब होता है बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम अगो। अब देखिए मून्स, मून्स, मून्स से हम इसका ट्रिक बनाएंगे कि बहुत समय पहले तो क्या थे, बहुत सारे मून थे, लेकिन आजकल तो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम मैनी मून्स अगो का मतलब समझ जाएंगे कि बहुत समय पहले। नेक्स्ट हमारा ईडियम है वो है नेक एंड क्रॉप, जिसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली। अब देखिए नेक को, नेक नेक वर्ड को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उससे हम ट्रिक बनाएंगे कि उसने नेक को क्या किया है, पूरी तरीके से रोप से बांध दिया है। क्रॉप में रॉप वर्ड हमको इजीली समझ में आ रहा है, तो उसने नेक को पूरी तरह से रोप से बांध दिया है, तो हमें याद आ जाएगा कि नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट ईडियम है वो है आर ऑल अगोग, जिसका मतलब होता है उत्सुकता से, फुल ऑफ विगर। अब देखिए ऑल अगोग में आल लोग, अगोग अगोग लोग, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसका हमारा ट्रिक क्या है कि ऑल लोग आग को, अगोग आग को उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं, तो हम ट्रिक बना लेंगे कि ऑल लोग आग को उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सारे ट्रिक्स जो मैंने आपको विथ शॉर्ट ट्रिक्स बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।